तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट टू क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन का पार्ट टू और हम लोग इसमें फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था पिछला वाला क्वेश्चन के आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से समझना सभी लोग। देखिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कहां तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। हम लोग 10th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। तो देखो अब ये बेंजीन डेरिवेटिव है सभी। अच्छा यहाँ देखिए क्या पकड़े हैं हम लोग, C6H4 को पकड़ो, ये बेंजीन है, इसी को पकड़ना है। तो हम लोग पकड़ लिए, 10th का क्वेश्चन देखना, C6H4 मतलब ऐसे बेंजीन बना दो, ऐसे बेंजीन बेंजीन। अब ये कह रहा है कि पैरा पर क्लोरीन जुड़ा है, पैरा पर क्या जुड़ा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन तो अभी आप किसी भी कार्बन पर ऐसे जोड़ दो। उसके बाद ये ध्यान देना, अब जो दूसरे साइड में जो जुड़ा है बेंजीन से, इसका और क्लोरीन का जो रिस्पेक्ट है वो दोनों पैरा का पोजीशन होना चाहिए। तो अब इसके रिस्पेक्ट में सामने वाला कार्बन ही तो पैरा है, तो सामने वाले कार्बन से क्या जुड़ गया है? CH2। और फिर सिंगल बॉन्ड जुड़ा है CH, और इससे दो मिथाइल लग गए, एक मिथाइल इधर जोड़ देते हैं, एक मिथाइल ऐसे जोड़ देते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया 10th का। अब हमें IUPAC नेम बताना है, तो सबसे पहले हमें नंबरिंग कर लेना चाहिए। नंबरिंग कर दो ऐसे 1 2 3 4, नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के बाद आपको नाम लिखना है, तो क्या है? 2-degree प्रीफिक्स है। 2-degree प्रीफिक्स की बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं 1 क्लोरो और 4 पर क्या है? ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है, तो 4-isobutyl बोल सकते हैं। देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो 4-isobutyl ये है। बट अगर हमें आइसोब्यूटिल या नियो ये सब नहीं यूज करना है, तो डायरेक्ट हम अगेन नंबरिंग कर देते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन का। कैसे? इसको मान लेंगे 1-, इसको मान लेंगे 2-, इसको मान लेंगे 3-, तो हम लिख सकते हैं ब्रेकेट में 4 पर लगा है क्या? 2-methyl और 3 कार्बन, 1 2 3, तो यानी प्रोपाइल, 2-methyl प्रोपाइल लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? बेंजीन। बस सिंपल सा स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर है बच्चों? बताइए। यस सर। चलो जिसे पूछेंगे वो बताएगा। चलो जानवी शुक्ला बताओ ये किस टाइप का एल्किल हैलाइड है? किस टाइप का सर? ये बेंजाइलिक कार्बन है। और बेंजाइलिक नहीं, एरिल कार्बन से हैलोजन लगा, ये एरिल कार्बन है, तो ये एरिल हैलाइड है। ये क्या है? एरिल हैलाइड, क्योंकि ये हैलोजन एटम कहाँ लगा है? एरिल कार्बन से लगा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, सब लोग ध्यान से, 11th सब लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब यहाँ देखो मेटा पर क्लोरीन लगा है और CH2 CL लगा है मेटा पर, और इसी को पकड़ना है, यही बेंजीन का है मेन, और दूसरे साइड में जो लगा है CH2 ये ग्रुप लगा है। तो सबसे पहले हमें ऐसे बना लेना चाहिए बेंजीन, बना लिया ऐसे बेंजीन। अब तुम्हें क्या करना है, एक कहीं किसी भी कार्बन पर ऐसे लगा दो CH2 CL, लगा दिया। अब ये ध्यान देना CH2 CL के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर ये वाला ग्रुप होना चाहिए, तो अर्थो ये जस्ट बगल वाला और इसके नीचे वाला मेटा होता, तो मेटा पर क्या लगा है देखना, CH2 लगा है, CH2 और सिंगल बॉन्ड C, और इस C से 3 मिथाइल ग्रुप है, तो CH3 ऐसे लगा देंगे, CH3 लगा देंगे और CH3 लगा देंगे, ऐसे स्ट्रक्चर रेडी है बच्चों। अब इसका IUPAC नेम बताना है, तो बताओ क्या नाम है? ऋषभ श्रीवास्तव, क्या आंसर इसका होगा? कहां से नंबरिंग करें ऋषभ? कहां से नंबरिंग करें? CH2Cl से करेंगे। हाँ CH2Cl से नंबरिंग कर दो, यहाँ 1 और 2 और 3, तो बताओ IUPAC नेम बोलो। 1 क्लोरो मिथाइल और फिर 3 नियो पेंटिल। हाँ 3 नियो पेंटिल। अच्छा नियो पेंटिल के जगह पर चाहे अगेन नंबरिंग कर दें ऐसे 1-, हाँ 2-, 3-, तो हम लिख सकते हैं 3 और 2-, 2-, डाई मेथाइल
और तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, मतलब नियो पेंटेल को हम लिख सकते हैं 2'2' डाइमेथाइल प्रोपाइल, बात एक ही है। और फिर आगे क्या लिख देंगे, बेंजीन, फिर आगे क्या लिख देंगे, बेंजीन या फिर साइक्लोहेक्सा 1, 2, 1, 3, 5 ट्राइन भी लिख सकते हैं। हाँ वो भी लिख सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ कौन सा एल्किल हैलाइड है, कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है, कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है? सर ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री, यस सर, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। चलो तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग 12th की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th बताएंगे गौरव सोनी, एकदम अलर्ट हो जाओ गौरव सोनी। तो देखो यहाँ देखो अर्थो पर बीआर लगा है, ये हमारा हो गया बेंजीन, ये जो लगा हुआ है C6H5 ये बेंजीन हो गया, और दूसरे साइड में ये पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख देंगे बेंजीन, ऐसे हम बेंजीन बना देंगे, और किसी भी कार्बन पर ऐसे लगा देंगे पहले अर्थों पर बीआर, ऐसे बीआर मान लेते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में अर्थो पोजीशन पर ये सारा सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, इधर जो साइड चेन लगे हैं तो यही है अर्थो, तो अर्थो लगा देते हैं सी एच और ब्रैकेट में सी एच थ्री है तो ऐसे सी एच थ्री लगा दो, और फिर सिंगल बॉन्ड सी एच टू और फिर सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। गौरव सोनी बताओ नंबरिंग कहां से करें, बताओ तुषार शुक्ला तुम कहां से नंबरिंग करें? सर बीआर से करेंगे, बीआर से करेंगे, बीआर से कर दो नंबरिंग, ऐसे बीआर से नंबरिंग कर देंगे 1 और 2। तो बताना आयो कैसे नेम तुषार? सर 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो सर, अगेन नंबरिंग उसमें करते हैं तो सर 2-I-methyl प्रोपाइल हो जाएगा। अरे बाबू इसे 1' मानेंगे, इसे 2' मानेंगे, इसे 3' मानेंगे, तो ब्रैकेट में ऐसे लिखो, ऐसे 2 लिखो बाहर, फिर ब्रैकेट में लिखो 1' methyl, 1' methyl प्रोपाइल, और ब्रैकेट बंद कर दो, बेंजीन, बेंजीन बस। चलो इसको कौन बताएगा कौन सा ये एल्किल हैलाइड है? एरिल हैलाइड है सर, ये एरिल है, ये एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, यस। चलो नोट कर लीजिए सभी लोग बच्चों, यहाँ तक लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, सभी लोग नोट करो। हाँ सर बोलो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट इसको सेकेंडरी ब्यूटिल भी बोल सकते हैं, कहाँ कौन वाला? हाँ ये हाँ, जो सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ ये सेकेंडरी ब्यूटिल भी है, बात एक ही है, चाहे 1-methyl प्रोपाइल बोल दो चाहे सेकेंडरी ब्यूटिल, बात एक ही है, ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में शेयर कर देना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, स्क्रीनशॉट लो ग्रुप में शेयर कर देना। चलो हटा दें? यस सर। चलो ठीक आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। देखो गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, एनसीईआरटी का सवाल है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम जेई बैठो चाहे नीट में बैठो, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाता, थोड़ा सा टेक्निकल घुमा देगा बस, तो अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप समझ करके करते हो तो जेई मेंस और नीट के सारे सवाल तुम पूरा कर ले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ये है कि समझ करके आपको सॉल्व करना है। चलो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्या रहा, कह रहा कि आईपीएससी नेम बताइए, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर देंगे, तो इसके स्ट्रक्चर को अगर एक्सपैंड करेंगे ऐसे देखना, सी एच थ्री और सिंगल बॉन्ड सी एच और फिर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे सी एल और फिर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे सी एच और फिर यहाँ बी आर लग गया है और फिर सी एच थ्री, तो पैरेंट चेन तो बहुत सिंपल सा, पैरेंट चेन कर दिया सीधा सीधा, पैरेंट चेन नंबरिंग कर दो इधर से 1, 2, 3, 4, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन पहले आ रहा है इस वजह से इधर कर दिया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम?
चलो सर, यूपीएससी में समय पहला लेटर ही कैपिटल हो सकता है, बाकी कोई लेटर कैपिटल नहीं लिखते हैं। हाँ, पहला लेटर कैपिटल कर देंगे, बाकी सब स्मॉल में लिखते हैं। ओके चलो सेकंड बताओ, सेकंड देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं सेकंड का आंसर। देखो अब सेकंड का आंसर क्या है, सबसे पहले हमें इसे एक्सपेंड कर देना चाहिए। तो इस सवाल को मैं क्लास में भी सॉल्व कराया हूँ। यहाँ देखो दो फ्लोरीन ऐसे लगा देंगे, ऐसे दो फ्लोरीन, और फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे कर देंगे कार्बन, और फिर यहाँ ऐसे लगा देंगे बी आर, और फिर यहाँ ऐसे सी एल, और यहाँ फ्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तीन तीन सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो वन और टू हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मुझे लिखना होगा वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, और फिर वन पर ही लगा है वन 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 डाई क्लोरो, वन वन डाई क्लोरो, और उसके बाद हो जाएगा टू टू कामा टू डाई फ्लोरो फ्लोरो, और फिर दो कार्बन है तो इथेन हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना सर? क्लोरीन तो एक ही बार है ना? अच्छा फ्लोरीन लगा, ट्राई हो जाएगा। हाँ एक मिनट रुक जाओ। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ मैं क्लोरीन ले लिया और यहाँ तो क्लोरीन दिया है, तो जो स्ट्रक्चर में बनाया उसके अकॉर्डिंग तो हमारा आईपीसी नेम सही है। क्वेश्चन में यहाँ सीएल और एफ लगा दिया है, तो अगर जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा किया हूँ उसके अकॉर्डिंग आईपीसी नेम सही है। यहाँ देखो एक क्लोरीन और जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा वन वन ब्रोमो और वन क्लोरो, और हो जाएगा वन टू टू डाई ट्राई क्लोरो इथेन हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लो। तो स्ट्रक्चर देखो सिंपल सा है, सीएल और सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड ऐसे सी कर दो, और सिंगल बॉन्ड सी एच टू बी आर कर दो। तो सिंपल ये भी है, पेरेंट चेन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर पेरेंट चेन की बात करें बच्चों, यही तो हमारा पेरेंट चेन है। देखिए ये पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ जाए। तो अगर देखा जाए फर्स्ट पोजीशन पर बीआर इधर है, इधर फर्स्ट पर क्लोरीन है, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो वन टू थ्री फोर, तो क्या बोलेंगे? वन ब्रोमो और फोर क्लोरो, वन ब्रोमो फोर क्लोरो और ब्यूट ब्यूट थ्री आइन, ब्यूट थ्री आइन। क्लियर है ना? आगे बढ़े। टू आइन। आगे बढ़े बताओ। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लो फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। चलो हटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ ही है। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इस वजह से आपको इसको ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को आप एक्सपेंड कर दो। तो कार्बन है और इस कार्बन से तीन CCl3 जुड़े हैं, ऐसे CCl3 तीन जुड़े हैं ऐसे, और यहाँ Cl लगा। इसको और अगर एक्सपेंड करोगे तो ऐसे कार्बन और CCl CCl CL, और फिर यहाँ कार्बन है ऐसे तीन ClCl ऐसे जोड़ देंगे, और फिर यहाँ भी कार्बन है ऐसे तीन ClCl जोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ एक क्लोरीन है। तो सबसे पहले पेरेंट चेन आपको सेट कर लेना है। पेरेंट चेन अगर देखा जाए तो सीधा सीधा यही पेरेंट चेन मानेंगे, क्योंकि तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होना चाहिए। ये पेरेंट चेन हो गया। अब अगर देखा जाए हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग अगर करेंगे तो वन वन टू थ्री, तो टू पर ये सिस्टम जुड़ा हुआ है ट्राई क्लोरोमेथाइल, और टू पर क्लोरीन, वन पर तीन क्लोरीन और तीन पर तीन क्लोरीन है। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, टू टू ट्राई क्लोरो, टू ट्राई क्लोरो मेथाइल,
उसके बाद देखिए यहाँ एक पर वन पर वन 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 टू थ्री 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 कितने क्लोरीन हो गए सात, तो हेप्टा लिख देंगे, हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो कितने कार्बन है पैरेंट चेन में तीन, तो लिखेंगे प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो प्रोपेन, तो ये इसका आईपीएसी नेम हो गया, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। आगे बढ़े बच्चों बोलो, यस सर बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए सब लोग, स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में शेयर कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो तो इसी से। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो यहाँ देखना ऐसे लिखा है CH3 और सिंगल बॉन्ड C, और इस C से जुड़ा हुआ है ऐसे फेनाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ऐसे, और इसके पैरा पर क्लोरीन लगा है ऐसे, पैरा पर ऐसे क्लोरीन लगा देंगे ऐसे, यहाँ पैरा पर क्लोरीन दो है ना, डाई लगा दो, तो दो लगा दिया ऊपर नीचे, और फिर सिंगल बॉन्ड CH है, और यहाँ ऐसे BR लगा दिया, और फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो सबसे पहले आपको पैरेंट चेन पता चल गया, ये पैरेंट चेन। उसके बाद नंबरिंग BR के साइड से 1, 2, 3, 4, तो अगर इसका आईपीएसी नाम लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2-bromo और 3 पर लगा हुआ है 3, और 3 दो बार है, अब ये ध्यान देना, तीन कार्बन से ज्यादा अगर होता है साइड चेन तो वहां कॉम्प्लेक्स साइड चेन मानते हैं, और उसके जगह पर अगर दो होता सिंपल के लिए तो डाई लिखते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए 20 लिख देंगे, अगर तीन होता तो सिंपल के लिए ट्राई लिखते हैं, बट अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो ट्रिस लिख देते हैं, तो यहाँ दो है ना तो 3-3-20 लिखेंगे, 20, और ब्रेकेट, और ब्रेकेट में ऐसे लिख दो क्या, नंबरिंग कर दो फिर से 1-2-3-4, तो क्या लिखेंगे 3-3-20, 4-chloro, 4-chlorophenyl लिख दिया, और कितने कार्बन है चार कार्बन, तो लिख दो ब्यूट, चार कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से सब लगे हैं तो ब्यूटेन, बस सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बच्चों छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या कहा जा रहा है, स्ट्रक्चर बनाओ दो तेजी से ऐसे, CH3 भैया यही है ना, कार्बन से तीन मिथाइल ग्रुप लगा है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, और फिर ऐसे क्लोरीन लगा दो, और फिर इधर फेनाइल ग्रुप ऐसे लगा है, और पैरा पर, इसके पैरा पर आयोडीन लगा दो, तो पैरेंट चेन, अब क्योंकि डबल बॉन्ड साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट बाहर वाले कार्बन में है, तो भले ही तीन कार्बन है चार कार्बन है, ये पैरेंट चेन हो गया, पैरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इसको फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन से लगा है फेनाइल, और किस आयोडीन जुड़ा है, तो 1-2-3-4, तो 4- आयोडो फेनाइल, 1 पर जुड़ा, 1 पर क्लोरो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे देखना, 1 क्लोरो और उसके बाद लिखेंगे 1 क्लोरो, और 1 पर ही है क्या, 1 पर लगा है ब्रेकेट में लिख करके 4-iodophenyl, और ब्रेकेट बंद करो, 3 पर 2 मेथाइल है तो 3-3-dimethyl, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, और 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड तो ब्यूट 1-ene, बोलो क्लियर है बच्चों, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, सही है ना सब, तो चलो बच्चों इसके आगे हम लोग मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट शेड्यूल पर 5:30 बजे, सब लोग तैयारी के साथ अपना रिवीजन करके आइएगा, हम लोग मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे, बाकी इवनिंग वाला क्लास अपने सेम टाइम पर चलेगा, तो मॉर्निंग वाले बच्चों को इवनिंग में आने की जरूरत नहीं है, मॉर्निंग वाले बच्चे कल मॉर्निंग में अपने सेम टाइम 5:30 बजे आएंगे, बाकी इवनिंग वाला क्लास अपना 4 बजे कंडक्ट होगा, आगे जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू, हम लोग मिलते हैं कल, ओके थैंक यू।